अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ईरान ने इसराइल को दमिश्क के सफारतखाने पर हमले का जवाब दे दिया है। रात गए ईरान की जानिब से इसराइली अहदाफ पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दाखिल गए। ईरानी वज़ारते दिफा ने कहा कि इसराइल में 50% से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमलों में से 99% नाकाम बना दिए गए हैं। बेशतर ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इसराइली हदूद से बाहर ही मार गिराया। इसराइली हुकूमत ने यह भी तस्लीम किया है कि फौजी तनसीबात को मामूली नुकसान पहुँचा है। ईरान ने मिसाइल हमलों से इसराइल को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर लगे। हूसियों और हिजबुल्ला की जानिब से भी मिसाइल दागे गए। ईरानी हमले 5 घंटे तक जारी रहे। इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने दावा किया है ईरान की जानिब से फायर किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमलों में से 99% नाकाम बना दिए गए हैं। बेशतर ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इसराइली हदूद से बाहर ही मार गिराया। इसराइली हुकूमत ने यह भी तस्लीम किया कि फौजी तनसीबात को मामूली नुकसान पहुँचा है। ईरानी वज़रात दिफा ने कहा है इसराइल में 50% से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। UN में ईरानी मिशन ने कहा शाम में सिफारत खाने पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। इसराइल पर अब मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे, मामला अब खत्म समझा जाए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने भी स्विस सिफारत खाने के जरिए अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया कि इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म हो गया, अगर अमेरिका ने साथ दिया तो निपटा जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को वार्निंग दे दी, कहा अगर सहूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो फैसला कुन और सख्त जवाब मिलेगा। नया बाब रकम हो गया, पासदाराने इनकलाब ने सहूनी दुश्मन को सबक सिखा दिया। अपने बयान में ईरानी सदर रईस इब्राहिमी का कहना था कि जारहियत पसंद को सजा देने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हो चुका है। इसराइल के जारहाना इकदाम के जवाब में ऑपरेशन जायज था, जवाबी ऑपरेशन दिफा के हकूक के दायरे कार में था। इत्तेहादी ममालिक जारह हुकूमत की अंधी हिमायत बंद करें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को वार्निंग दी कि अगर सहूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो फैसला कुन और सख्त जवाब मिलेगा। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से इसराइल परेशान है, धमकियों पर उतर आया है। ईरान को धमकी देते हुए कहा गया कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल का कहना था कि हमारी जंग ईरानी अवाम से नहीं है, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हैं। तर्जुमान ने दावा किया कि ईरानी हमला नाकाम बनाया। फौजी तर्जुमान का कहना था कि ईरानी हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। इसराइल पर ईरान का हमला, सदर बाइडन ने इसराइली वजीर आजम पर वाजे कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि ईरान ने फिर दिखा दिया कि वह अपने इतराफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। चीन का इसराइल ईरान कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश। जापानी वजीर खारजा का कहना था हमला मशरक वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम को साफ साफ बता दिया। बाइडन ने नेतन्याहू पर वाजह किया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी वजीर दिफा ने इसराइली हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक अमरीका ने इसराइल से कहा ईरान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक ने कहा ईरान ने फिर दिखा दिया कि वो अपने अतराफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। इन्होंने कहा कि बरतानिया इसराइली सलामती के लिए खड़ा रहेगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। चीन ने इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश किया है। जापानी वजीर खारजा ने कहा ईरान का हमला मशरक वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत की। फरीकैन से फौरी जंगबंदी की अपील करते हुए कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा हो।
ईरान इसराइल कशीदगी, रूसी सदर का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। रूसी सदर प्यूटिन ने अपने बयान में अमरीका को ईरान इसराइल कशीदगी से दूर रहने का पैगाम दे दिया। तेहरान से भरपूर तआवुन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी आलमी जंग हुई तो फरीक वाज़ेह तौर पर आमने सामने होंगे, एक तरफ रूस, चीन, ईरान, जबकि दूसरी जाने अमरीका, इसराइल और नेटो होंगे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल ने सलामती कौंसिल के सदर को लिखे गए खत में कहा, ईरान का हमला आलमी अमन सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने जवाबी खत में कहा कि यह इकदाम आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक था। जबकि हमास का कहना है कि ईरान का इसराइल पर हमला सिफारत खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब था। ईरान ने इसराइल पर हमला करके दिफा का हक इस्तेमाल किया है। खत्ते में इसराइली तसल्लुत को ख़त्म करना होगा। इसराइल जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है। हमास ने अरब और दीगर मुसलमान और खत्ते की मुजामती क़ुतों से अपील की कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा की हिमायत जारी रखें। लबनान में इसराइल के बड़े हमले का खदशा है। सहनी फजाइया के लबनानी सरहदी इलाकों में हमले के बाद इसराइल से मुलहिका 49 मील तवील सरहदी इलाके से 30,000 के करीब लबनानी शहरियों ने इनखला कर लिया। हिजबुल्ला ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। इसराइली फौज का लबनान में जंगी तैयारियों से फिजाई हमला हुआ जिसमें मुबैना तौर पर हिजबुल्ला के हदाफ को निशाना बनाया गया। तमाम हिजबुल्ला की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। लबनान की हिजबुल्ला तहरीक ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग डाले। जनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमलों के जवाब में बालाई जरीर में इसराइली फौजी अड्डे को दर्जनों मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइल से मुलहिका 49 मील तवील सरहदी इलाके से 30,000 के करीब लबनानी शहरियों ने इनखला किया है। इसराइल पर हमला ईरान का जायज दिफाई अमल है। अफगान हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आ गया है। एक बयान में अफगान वजारत खारजा ने ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले को जायज करार दे दिया है। शाम में ईरानी कौंसुलेट पर हमले का ईरानी जवाब जायज दिफाई अमल है। इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। अफगान वजारत खारजा ने दुनिया पर जोर दिया कि कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सहूनी रियासत के जराइम को रोका जाए। ईरानी हमले ने इसराइल के खिलाफ हदफ भी हासिल कर लिया। इसराइली सियासी क़यादत में फूट पड़ गई। ईरानी हमले का रद्दअमल देने के फैसले पर सिक्योरिटी काबीना के अरकान में एक दूसरे के खिलाफ अनबन हो गई। इसराइली कौमी सलामती मुशीर और वजीर ख़जाना ने इजलास से लातअल्लुकी इख्तियार कर ली। इसराइल पर ईरान का हमला पाकिस्तान का गहरी तश्वीश के साथ मशग-ए-वस्ता की सूरत हाल का जायजा ले रहा है। दफ्तर खारजा का रद्दमल भी सामने आ गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को मशग-ए-वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तश्वीश है। पाकिस्तान ने कई महीनों से बैन-उल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने कहा था कि खत्ते में दुश्मनी को रोका जाए और गजा में सीज फायर किया जाए। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी ने कहा है कि पहली बार ईरान और इसराइल की बराह रास्त महाजराई हुई है। जंग खित्ते में फैली तो पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। बोल न्यूज से गुफ्तगु में उन्होंने कहा कि जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मुफाद में नहीं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पैदा हुई है। पहली दफा है तारीख में कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन हुई है। इस वक्त जो खदशात हैं बैन-उल-अक़वामी सतह पे वो ये है कि क्या इस सारी एक्शन से ये जो जंग है कहीं खित्ते में फैल ना जाए और कोई वसी तर जंग ना शुरू हो जाए वहाँ। तो मैं नहीं समझती कि किसी मुल्क के इस वक्त मुफाद में होगा कि इससे ज़्यादा तनाव बढ़े और जंग खित्ते में फैल जाए। सिवाय इसराइल के कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि जो जंग है ये बढ़ जाए। अमरीका भी इस वक्त सफारती कोशिशों में मुलविस है, कोशिशें वो कर रहा है कि इसराइल को समझाएं कि कोई ऐसा कदम ना ले जिससे कि ये जंग जो है ये मजीद और फैल जाए। इसराइल के सबसे जो क्लोज आप कह लें एलाय है वो तो अमरीका ही है कि इस वक्त अमरीका नहीं चाहेगा कि खित्ते में तनाव बढ़े और कोई वसी तर किस्म की जंग शुरू हो जाए वहाँ। वो उसके इंटरेस्ट में नहीं है। इसराइल पर हमले पर साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने बाइडन को खरी खरी सुना दी। अपने जाती सोशल मीडिया पैगाम में बाइडन को कहा कि इस नाजुक वक्त पर बाइडन ने कौम से बराह रास्त खिताब नहीं किया। कौम का मुतालबा है कि बाइडन व्हाइट हाउस कल नहीं आज खाली करें। मैं अगर होता तो इसराइल पर कभी हमला ना होता। और ईरान के गजा पर जवाबी हमले के बावजूद
इसराइल गजा पर जारहियत से बाज ना आया। बोखलाहट में निहत्ते मुसलमानों पर वैशी हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में 43 फलस्तीनियों को शहीद जबकि 62 को जख्मी कर दिया। आयरिश वजीर आजम के फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के बाद दीगर ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए सामने आ गए। गजा पर इसराइल की जंग के 190 रोज मासूम फलस्तीनियों पर आग और अहन की बारिश। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइल के जुनूनी फैसले गजा की पट्टी में पै दर पे निहत्ते मुसलमानों पर हमले किए। इसराइल ने दर्जनों फजाई हमलों में दीरुल बलाह समेत वस्ती गजा को निशाना बनाया जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। गजा के शहरी दिफा के मुताबिक रमल्ला और गजा में नाजायज इसराइली आबादकारों के हमलों में मजमू तौर पर 43 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की फौज और लबनान की हिजबुल्ला के हमलों में इजाफे से वसीतर इलाकाई तनाजे के खदशात शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। आयरिश वजीर आजम साइमन हैरिस के फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के बाद आयरलैंड स्पेन और दीगर ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए सामने आ गए। अक्टूबर 2023 से अब तक फलस्तीनी शहदा की मजमू तादाद 33,729 जबकि जख्मियों की तादाद 76,331 हो गई। गुरबत हमारे नसीब में नहीं लिखी, अल्लाह ताला ने बहुत वसाल दिए हैं लेकिन इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमें गरीब कर रखा है। हाँ है, सरी तरीक़ाकार अपनाया जाए तो सारे मसाल हल हो सकते हैं। सदा आसिफ अली सरदारी का लाड़काना में जलसे से खताब। मजीद कहा कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, पीपल्स पार्टी मुझे दी गई तो संभाल कर दिखाई। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला करवाया, भुट्टो के सामने बैठूंगा तो सुनूंगा कि बेटा तुमने मेरा बदला ले लिया। जरूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। अगर हम आपस में बैठ के सोचें तो कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है। हम हर चीज को संभाल सकते हैं। जिस जमाने में बीबी ने मुझे चेयरमैन छोड़ा पार्टी का, काफी दोस्तों को ये पता भी नहीं था कि शायद मैं कर सकूं, संभाल सकूं, पार्टी को चला सकूं। इसको पता है ये हमारा हमारे हक संभालेगा। मगर सबसे बड़ी खुशी मुझे आज ये है कि जब मैं कयामत के रोज भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश, तूने मेरा पलान किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी जमातों को मिसाक मफाहमत का मशवरा। लड़काना में खिताब करते हुए कहा कि सियासी कुवतें होश के नाखून लें, धरनों और गालम गलोच की सियासत ना की जाए। भुट्टो शहीद के दौर में भी 9 सितारों वाले इत्तेहाद ने तहरीक चलाई और फिर 10 साल के लिए आमरियत आ गई। आज फिर से कुछ सियासतदान PNA Part 2 लाकर साजिश कर रहे हैं। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो आवाम को नुकसान होगा। नेशनल रेकंसिलिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच की सियासत खेलते रहेंगे। हम इन तमाम कुवतों को याद दिलवाना चाहते हैं कि जब कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था तो कुछ ऐसे साजिशी कुवते 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे। इनकी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान ने 10 साल आमरियत भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA Part 2 लेकर आना चाहते हैं, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। अगर जमहूरियत का नुकसान हुआ तो सबसे पहले नुकसान अवाम का होता है। ये तारीखी कामयाबी आपकी कामयाबी है, पाकिस्तान जमहूरी पसंद जो अवाम है उनका कामयाबी है। लड़का नगड़ी खुदा बख्श में बानी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। जियालों का खराज अकीदत पेश तकरीब से खताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के 10 निकाह के मुताबिक खिदमत करेगी। गड़ी खुदा बख्श में बानी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब 5 अप्रैल को रमजानुल मुबारक होने के बायस तकरीब 14 अप्रैल को मुनक्किद की गयी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के 10 निकाह के मुताबिक खिदमत करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रेबरी में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की रेबरी में हम उनका जो मंशूर है वो जो 10 नुकात हैं इंशाल्लाह ताला
हुकूमत सिंध आपकी खिदमत करेगी। पी पी सिंध के सदर निसार खोड़ो बोले, जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासत का महवर अवाम था। ये भुट्टो साहब के खानदान की कुर्बानी देखो, कोई पार्टी में ऐसा नहीं है जिसने अवाम की मोहब्बत में इतनी जानें दे दी, पाकिस्तान से प्यार करने में इतनी सजा पाई, ये पीपुल्स पार्टी का सेवा है। मोमर सियासी रहनुमा सैयद कायम अली शाह का कहना था, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। भुट्टे साहब जड़ा लीडर सदियों में पैदा थींदा आहिनि, उन जहिड़े नमूने सां पाकिस्तान खे हलायो, मजबूत कयो, इस्लामी दुनिया में मकबूल कयो। जलसागाह को बैनर्स पार्टी परचमों से सजाया गया था। मुल्क भर से आए जियालों की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफ जदा है। क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ उमर अयूब ने कहा कि पशीन और चमन में जलसों में पीटीआई कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को जदोकोप किया गया। फॉर्म 45 पर अमल दरामद होता तो आज पीटीआई की हुकूमत होती, बानी पीटीआई बहुत जल्द रहा होंगे और ये हुकूमतें खत्म होंगी, हम अपना हक लेकर रहेंगे। एक पशीन के मुकाम पे और एक चमन के मुकाम पे बलूचिस्तान की हुकूमत ने बेताशा कोशिश की मीडिया को और हमारे वर्कर्स को जदोकोप करने की, ना जाने की, झंडा ना अलाउ किया, पर खराब मौसम के बावजूद लोग वहाँ पे रिकॉर्ड नंबर में आए और वो जलसे कामयाब हुए। ये आगाज़ है जलसों का, पूरे पाकिस्तान में हम लोग इंशाल्लाह ताला जलसे करेंगे। ये आने वाला वक्त पाकिस्तान तरीके साथ है, ये मौजूदा हकूमतें ये खत्म हो जाएंगी। वज़ीरा ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द अमरीका पहुंच गया है। वफ़द IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगे। वाशिंगटन DC एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर मसूद खान और सफारत खाने के अफसरान ने वज़ीरा ख़ज़ाना का इस्तकबाल किया। वज़ीरा ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकात करेंगे। बैन अल-अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक नुमाइंदगान से मुलाकातें होंगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। कर्ज की मंजूरी जून में मुतवक्के है। फंड 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। मंसूबे से पाकिस्तान को फ्यूल कॉस्ट की मद में सालाना $1.8 अरब बचत होगी। दासू हाइड्रो मंसूबा 7 साल की ताखीर से साल 2028 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे को मुकम्मल करने की असल डेडलाइन December 2021 थी। इस दौरान मंसूबे की लागत $4.3 अरब से बढ़कर $4.9 अरब हो गई। और अभी जानिए, पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले बड़बोले आदिल राजा को शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। जी, आदिल राजा बरतानी अदालत में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हत्या के इज्जत केस की अहम मौके पर अपनी अपीलें हार चुका है। आदिल राजा अपने खिलाफ हत्या के इज्जत मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त में नाकाम रहा, जबकि हत्या के इज्जत केस पर हुक्म इम्तना और सिक्योरिटी अखराजात की मद में £10,000 की अदायगी भी करना होगी। वतन अजीज के दुश्मनों के आलाकार आदिल राजा का एक नुकाती एजेंडा, पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत करने वाले हर मोतबर शख्स पर इल्जाम लगाओ। इसी मकाराना जहनीत के साथ आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ अपनी ट्विटर, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब की 9 पब्लिकेशंस में हर्जा सराई की, अपनी जहनी खलासत पूरी तरह से आश्कार कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अपने खिलाफ इस गलीज मुहिम पर बरतानवी अदालत से रुजू किया, हितक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। अपने गिर्द घेरा तंग होता देखकर आदिल राजा ने हमेशा की तरह राह फरार इख्तियार करना चाही। ब्रिटिश कोर्ट से हुक्म इम्तना की फरमाइश कर डाली। आदिल राजा के बेबुनियाद इल्जाम को बरतानवी जज ने रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए तमाम दलाइल मुस्तरद कर दिए। अदालत ने आदिल राजा को हुक्म दिया कि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 2 दरख्वास्तों, हितक इज्जत केस पर हुक्म इम्तना और सिक्योरिटी अखराजात की मद में £10,000 की अदायगी करे। मुतनाज़े यूट्यूबर को रकम की अदायगी के लिए 17 अप्रैल 2024 तक का वक्त दिया गया है। जज के फैसले के नतीजे में आदिल राजा को अब अपने तमाम इल्जाम को सच साबित करने के लिए शवाहिद पेश करना होंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। हादसात में 11 अफराद जाबाहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 कार सवार तो खियानी में बह गए, जिन्हें बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाबाहक हुए, जिन्हें बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तुगयानी के बायस पाक अफगान शहरा पर आमदरफ्त मुअत्तल है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बारिश, बलूचिस्तान एक बार फिर तबाही की तस्वीर बन गया।
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 25 اضلاع میں آج تیسرے روز بھی بارش ہوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آسمانی بجلی اور چھتیں گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مختلف علاقوں میں 30 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ ضلع کیچ میں سیلابی ریلے میں 7 جبکہ پشین میں درجنوں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بارش کے باعث خیبر پختونخوا کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں، پشاور سمیت مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش نے مختلف حادثات میں 4 افراد کی جان لے لی۔ لنڈی کوتل، ضلع خیبر اور مضافات میں موسلا دھار بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سلطان خیل کے مقام پر کار میں سوار 4 افراد طغیانی میں پھنس گئے، جنہیں بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ طغیانی کے باعث پاک اغوان شاہراہ پر آمد و رفت معطل ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں ہوئی۔ کراچی میں اتوار کی صبح ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بوندہ باندی، ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 29 ملی میٹر، سب سے کم بارش جناح ٹرمینل پر 1.2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ایئرپورٹ، شارہ فیصل، مسرور بیس، یونیورسٹی روڈ، نازم آباد، نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن، ڈیفینس، سادی ٹاؤن، گلشن حدید، کورنگی، صدر، قائد آباد اور ملیر کے علاقوں میں بادل برس پڑے۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے مطابق شہر کی بیشتر بڑی شاہراہوں سے برساتی پانی کی نکاسی ہو چکی ہے، صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ جو ہماری میجر شاہراہیں ہیں وہ الحمدللہ اس وقت تک کلیئر ہیں، اور جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا وہاں پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ گراؤنڈ پر موجود رہیں اور لوگوں کی جو خدمت کرنے کی ضرورت ہے وہ خدمت کی جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے صبح شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ دن کے اوقات میں موسم ابر آلود رہے گا۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ مری میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تفصیلات کیا ہیں عارف صحیح سے جانتے ہیں۔ جی عارف۔ جی بالکل، آج دوسرے روز بھی ملکہ اکسار مری میں بارش کا سلسلہ جو وقتے وقتے سے جاری ہے۔ آج جیسے سردی شدت میں بھی یہاں پر غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ سیو کی بات کی جائے تو ویکینڈ کے موقع پر سیو کی خاصی تعداد یہاں پر پہنچی ہے، جو یہاں کے اس ٹھنڈے ٹھار موسم سے خود بخود ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس ٹائم میں صاحب مجھے آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہاں کے موسم اور نظاروں کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، ہم ڈسکا سیال پور سے آئے ہیں، تو ماشاء اللہ یہاں کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ سردی ہے یہاں پہ۔ ہم کپڑے بھی جو ہے نارملی پہن کے آئے تھے، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ موسم گرمی ہے تو یہاں پہ ٹمپریچر ہائی ہوگا، لیکن بارش نے جو ہے نا یہاں کا ویدر کافی چینج کر دیا، تو کافی انجوائے کر رہے ہیں لوگ۔ بارش بھی ہے پھر بھی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ اور ابھی جانیے، کراچی میں مساجد بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ لوٹیروں نے نمازیوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک اور علاقے میں خاتون سے پرس چھین لیا گیا۔ دونوں واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہیں۔ کراچی کا علاقہ کریم آباد، شیطان کے چیلوں نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ مسجد میں آ دھمکے، مسجد فیضان عطار میں موجود لوگوں کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا۔ مؤذن، نمازی اور خادم سے موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ اس سے قبل ناظم آباد میں ملزمان راہ چلتی خاتون سے پرس چھین کر فرار ہو گئے۔ چھینا جھپٹی کے دوران خاتون زمین پر گرنے سے زخمی ہو گئیں۔ فوٹیج میں واضح ہے کہ کس طرح ڈاکو بے دردی سے چلتی بائک سے خاتون سے پرس چھینتے ہوئے فرار ہوا۔ گرنے کی وجہ سے ان کے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے انتھم کی پہلی جھلک ریلیز کر دی گئی ہے۔ مکمل ترانہ 2 مئی کو ریلیز کیا جائے گا۔ مختصر فارمیٹ کا میگا ایونٹ یکم سے 29 جون تک امریکہ ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com، اور آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔